हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं वीवो वाई 36 मोबाइल में सिस्टम अपडेट कैसे किया जाता है। यानी दोस्तों, इस मोबाइल को आप अपडेट कैसे करोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं, लाइव प्रूफ आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे। मोबाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, चेकिंग फॉर अपडेट्स दिखाई देगा और यहाँ पर देखिए न्यू वर्जन लिखा हुआ है। और जितने MB का भी अपडेट आपके मोबाइल में आया होगा, टोटल MB यहाँ पर लिखी होंगी। तो हमारे मोबाइल में दोस्तों देखिए 185 MB का अपडेट है और अपडेट यहाँ से आप देख सकते हो जो भी आपके मोबाइल में आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर वेटिंग टू लिखा हुआ होगा और यहाँ पर देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो जब तक दोस्तों ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक दोस्तों मैं वेट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही दोस्तों ये जो है लाइन कंप्लीट होगी, उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होने के बाद दोस्तों जब ओपन होगा तो अपडेट होकर ही ओपन होगा। तो इसमें 5-10 मिनट लग सकते हैं, आप जल्दबाजी मत करना। और बहुत लोग कमेंट में हमसे ये पूछेंगे कि भाई, अपडेट करने से मोबाइल का कुछ डिलीट तो नहीं होता है? तो मैं आपको बता दूं, मोबाइल का XYZ कुछ भी डिलीट नहीं होता है। आप बेझिझक अपने मोबाइल को सिस्टम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करना अच्छी बात है, जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट आपके मोबाइल में होता है तभी आपके मोबाइल में अपडेट दिया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।